राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए हम लोग चिली पनीर बनाते हैं। ये मैंने पनीर ले लिया है, चौकोर पीस में इसे काट लिया है। और ये मैदा ले लिया है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर है, ये किसी भी जनरल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा फूड कलर, ये लड्डू वाला कलर है। और थोड़ा सा नमक, इन सब चीजों को डालकर हमें इसका घोल तैयार करना है। अच्छा और चिकना सा घोल तैयार करना है, एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छे से फेंट कर घोल तैयार कर लीजिए, ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। एक अच्छी सी लेयर पनीर पे हमें मिल जाए, बस इतना ही पतला हो। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर भी आ गया है इसमें। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पनीर डालना है, जिससे अच्छे से पनीर कोट हो जाए। इसमें एक साथ में सारा पनीर नहीं डालना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को भी। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके पकौड़ियाँ बनाती जा रही हूँ। सारे पनीर की पकौड़ियाँ तैयार कर लेनी है। और ये चिली पनीर घर पे बनाना बहुत आसान है। ये दिखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। टेस्टी भी बहुत बनता है, तो घर पर बनाकर देखिए। आजकल बाहर तो कुछ नहीं मिल रहा है, घर ही पे सब कुछ बनाना पड़ेगा। अगर खाने का मन है तो घर पे बनाइएगा, बताइएगा फिर कैसा बना है। अब ये लास्ट का जो पनीर बचा था वो भी मैं बना रही हूँ। सारी पकौड़ी बनकर तैयार हैं। एक आध चिपकी रह जाती है, उनको आप छुड़ा लीजिए। ये लहसुन, अदरक, कद्दूकस की हुई हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च। अब मैं ग्रेवी तैयार कर ले रही हूँ। ये लहसुन डाल दिया है, अदरक, और अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, प्याज को भी बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा लाल हो जाए तब मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँ, ऐसा कुछ नहीं। एकदम सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा प्याज, और गैस फुल रखनी है, एकदम फुल फ्लेम पे। जब ये सारी चीज़ें हम लोग डाल रहे होते हैं तो फुल पे रखनी चाहिए गैस, तभी मार्केट जैसा बन पाएगा। अब हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ। इसको भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा नमक डालकर इसको एक दो बार चलाना है। ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। शिमला मिर्च हल्की सॉफ्ट हो जाएगी तब मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ले लिया है। अब ठंडे पानी में घोल कर इसे डालना है हमें, इससे इसकी ग्रेवी जो है वो चिकनी और गाढ़ी बन जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, अगर कम चाहिए तो थोड़ा सा कम पानी डालिए। लेकिन ये इतना ध्यान रखिए कि ये रखने से थोड़ी देर, अगर आधे घंटे तक सब्जी रखी रहती है तो ग्रेवी कम हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, तो उस हिसाब से आप पानी घटा बढ़ा सकते हैं। कॉर्नफ्लोर सीधे इसमें नहीं डालना है, घोल कर ही हमें डालना है, ये जरूर ध्यान रखने की बात है। अब ग्रेवी उबल जाने के बाद में
हमें इसमें ये सफ़ेद सिरका डाल देना है। एक उबाल ग्रेवी में आ चुका है, सोया सॉस है, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। टमाटो सॉस भी, आपको बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो थोड़ा सा चिली सॉस भी डाल दीजिए। मैं चिली सॉस इसमें नहीं डाल रही हूँ। ग्रेवी अच्छे से उबल चुकी थी तब मैंने इसमें सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं। अब मैं इसमें टमाटो सॉस डाल दूँगी, 2 चम्मच टमाटो सॉस, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। बस हमारा चिली पनीर तैयार है। अब आप इसे रोटी या पराठे के साथ में या फिर चावल के साथ में एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए प्लीज़।